देखिए मित्रों, ये एक वीडियो है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, ताकि जो गौ रक्षक हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या जो भी गौ सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये देखें और जानें कि ग्राम गारमपुर, तहसील शाहबाद, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ का दृश्य है। और इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये शेल्टर हाउस है, यानी जिसे कहते हैं कि गौशाला। लेकिन ये गौशाला पिछले काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, अब इसे सहायता नहीं आती, क्या होता है इस बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन गाय ऐसे ही सारा दिन घूमती हैं, जैसे होता ही है कि तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी फसलें बेकार होती हैं, दूसरे यहाँ जहाँ तहाँ गौ तस्कर भी इन्हें पकड़ लेते हैं, जहाँ तहाँ ही काट दी जाती हैं बेचारी। तो कम से कम इसके बारे में मुख्यमंत्री ज़रूर सोचें कि जब गौशाला है, शेल्टर हाउस है और इतनी सारी गाय हैं, तो फिर योगी राज में अगर इन गायों की ये दुर्दशा है, तो फिर ये बात मुझे थोड़ी गले नहीं उतरती। होना ये चाहिए कि इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। ये जब शेल्टर हाउस है तो इसके अंदर रहें, गौ सेवा हो इनकी, लेकिन नहीं, ना तो गौ रक्षक, ना गौ सेवक, और ना मुख्यमंत्री जी, और ना कोई भी स्टाफ, डीएम वगैरह, कहीं से कोई इसके बारे में अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली कि इनके बारे में कुछ किया भी जाएगा। तो मैं चाहूँगा ये इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि जो जो भी गौ भक्त या गौ सेवक हैं, वो इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, ताकि इन गायों की सेवा भी हो सके, ये अंदर रह सकें, गौ तस्करों से बच सकें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, किसान जो छोटे किसान है, जैसे 2 या 4 बीघे वाला किसान है, उसके साथ क्या होता है कि उसकी फसल तो ये शायद 1 घंटे में चौपट कर सकते हैं, क्या खाएगा वो। और इन्हें पूरी दिन मारा पीटा, यहाँ वहाँ, बरसात, जाड़ा, सभी में टाइम ऐसे ही गुजारते हैं। धन्यवाद दोस्त।